नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोद। राजस्थान की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21। लखेरी शहर के नयापुरा स्थित रामदेव के मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में हुई युवक की मौत का खुलासा करते हुए व्रताधिकारी लखेरी व्रत नतीशा जाखड़ ने बताया कि पिता पुत्र दोनों शराब की पार्टी कर रहे थे। घरेलू बातों में दोनों में विवाद हो गया और विवाद झगड़े में तब्दील हो गया। पिता ने चाकू से पुत्र अभिषेक और फिर सोनू के सीने पर वार कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस बीच पिता और पुत्र में विवाद बढ़ता देखकर मृतक की पत्नी सास को बुलाने पास में स्थित रामदेव जी के मंदिर पर गई। जब वापस लौटकर आई तो अभिषेक घायल अवस्था में नीचे पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि राजेश बुहावत, जो कि मृतक का पिता है, जिसने हत्या करके सबूत मिटाने के बाद परिजनों को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने मृतक युवक के पिता को नयापुर स्थित रामदेव जी के मंदिर के पास ही डिटेन कर गहनता से पूछताछ की गई तो मुलजिम राजेश बुहावत ने हत्या करना कबूल किया, जिस पर मुलजिम की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। लाखेरी कस्बे का है पूरा मामला, देखिए विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। शाम को रिपोर्ट प्राप्त हुई कि पिता एक व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया गया, जिसमें ये सामने आया कि तेज धारदार हथियार से सीने पर वार हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश की गई, टीम गठित की गई SHO साहब के, उसमें आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि पिता और पुत्र की आपस में घरेलू बातों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने अपने बेटे के चाकू मार दिया, जिससे वो मौके पर उसकी डेथ हो गई। चाकू तोड़ के उसने पीछे फेंक दिया था, वो भी हमने डिटेन करने के बाद पूछताछ की तो उसने बताया और उसकी निशा देश से हमने बरामद भी कर दिया है।